यार पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहर बनाने में कितने आगे थे? उनकी शहरी योजना और निर्माण तकनीकें आज भी हमें हैरान कर देती हैं। चलो आज इस सभ्यता के कुछ मजेदार और अद्भुत बातों के बारे में जानते हैं। ये बातें न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो कोई 300 से 1300 ईसा पूर्व के आसपास थी, दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी सभ्यताओं में गिनी जाती है। इस सभ्यता का विस्तार आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक था। ये लोग तो अपने बढ़िया शहरों और प्लानिंग के लिए जाने जाते थे। उनकी शहरी योजना इतनी उन्नत थी कि आज भी हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में तो एकदम सोची समझी प्लानिंग देखने को मिलती है। इन शहरों की संरचना और निर्माण तकनीकें अद्वितीय थीं। सीधी चौड़ी सड़कें, ग्रिड पैटर्न, सब कुछ एकदम परफेक्ट। ये लोग अपने समय से बहुत आगे थे। इंडिया में सबसे पहले ग्रिड सिस्टम इन्हीं लोगों ने बनाया था। सोचो कितने आगे की सोच थी इनकी। ये ग्रिड सिस्टम आज के आधुनिक शहरों में भी देखा जा सकता है। इनके शहरों में पानी निकालने का सिस्टम भी गजब का था। हर गली और सड़क के नीचे पानी निकालने के लिए नालियां बनाई गई थीं। हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम और पूरे शहर में फैला हुआ सीवर सिस्टम। ये लोग स्वच्छता के मामले में भी बहुत आगे थे। गंदा पानी मिनटों में शहर से बाहर। ये सिस्टम इतना प्रभावी था कि आज भी हमें इससे सीखने की जरूरत है। पानी के मैनेजमेंट में भी ये लोग माहिर थे। उन्होंने जल संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया। बड़े बड़े तालाब और नहरें बनाई ताकि खेती के लिए पानी मिलता रहे। ये नहरें और तालाब आज भी देखे जा सकते हैं। मतलब पानी के इस्तेमाल के बारे में इन्हें अच्छी जानकारी थी। ये लोग जल संरक्षण और प्रबंधन में भी निपुण थे। और मजे की बात यह है कि इनके शहरों में सबको बराबर माना जाता था। सामाजिक समानता का ये उदाहरण आज के समाज के लिए भी प्रेरणादायक है। ज्यादातर घर एक जैसे आकार और डिजाइन के थे, यानी अमीर गरीब का फर्क बहुत कम था। ये लोग सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी की शहरी प्लानिंग तो अपने समय के लिए बहुत ही यूनिक थी और आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनकी तकनीकें और योजनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। आज के मॉडर्न शहरों के लिए भी इनकी तकनीकें बहुत काम की हैं। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने शहरों को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी प्लानिंग के कुछ राज। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और कमेंट्स में बताओ और किस पुरानी सभ्यता के बारे में जानना चाहते हो। धन्यवाद।